लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे सामने आ चुके हैं। ऐतिहासिक दिन 23 मई का रहा जो हर किसी को हमेशा याद रहेगा। भाजपा की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गई और वो भी पूरी बहुमत के साथ। तमाम राज्यों में भाजपा को तमाम जीत भी हासिल हुई, मगर इसी बीच एक ऐसा राज्य भी रहा जहां पर भाजपा को जीत हासिल नहीं हो पाई। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में जिस तरह से यहाँ पर निरहुआ यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी रहे, तो उनके सामने रहे सपा के अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव की जीत आजमगढ़ में हुई। कहा यही जा रहा था कि आजमगढ़ अखिलेश का गढ़ है, मगर ऐसे में नरहुआ फिर भी यहाँ पर उतरे और उन्होंने जनता के बीच तमाम वादे भी किए और तमाम चीजें भी कही। तमाम तरीके के उन्होंने रोड शो के दौरान अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में गाने भी गाए, मगर जनता का प्यार, दलितों का प्यार, खासकर यहाँ पर आजमगढ़ के दलितों का प्यार अखिलेश के साथ देखा गया। 14 लाख मतदाताओं में से जितने भी दलित रहे, उन्होंने निरहुआ पर फैसला लिया। इतना ही नहीं, निरहुआ पर फैसला कुछ इस तरह रहा कि निरहुआ को यहां से हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ हार। जीत के लिए निरहुआ यहां पर राजनीति में अपनी किस्मत को अजमाने के लिए उतरे थे। नरेंद्र मोदी ने भी निरहुआ के लिए प्रचार किया था, मगर ऐसे में यहाँ पर जनता का प्यार, जनता का विश्वास, दलित जनता का प्यार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव पर रहा। अखिलेश की जीत हो चुकी है आजमगढ़ में। अब एक बार फिर से अखिलेश के नाम का परचम लहराया जाएगा। भोजपुरिया से नैन्सी की रिपोर्ट।